श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ से खबर है। टायर के गोदाम में लगी भीषण आग, आसपास के घरों के आग की चपेट में आने की आशंका है। सूचना पर नगरपालिका की दमकल भी मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों की मदद से आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। सिटी थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। रामदेव बाबा मंदिर रोड की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी आई हैं, देखिए। टायर के गोदाम में भीषण आग लगी है। धू-धू कर आग की लपटें आसमान में ऊंची उठती हुई दिखाई दी है। क्या कारण रहे, इसको लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। जयपुर से खबर है। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या करने से जुड़ा प्रकरण, एनआईए अदालत में आज प्रकरण में टली सुनवाई। एनआईए अदालत में जज रविंद्र कुमार द्वितीय आज अवकाश पर रहे, जिसके चलते अदालत में आज मामले की सुनवाई टली। आरोपियों के खिलाफ चार्ज पर फैसला 5 जनवरी तक टला है। एनआईए अदालत को आज चार्ज आदेश सुनाना था। अभियुक्त रियाज जब्बार, मोहम्मद गौस, रियाज अतारी, फरहाद शेख, आसिफ मोहसिन, बसीम अली, मोहम्मद जावेद व मुस्लिम खान जेल में है। 2 पाकिस्तानियों सहित 11 के खिलाफ 22 दिसंबर 2022 को चालान पेश हुआ था। एनआईए के एसपी रवि चौधरी ने आईपीसी की धारा 452, 302, 153A, 153B, 295A एवं 34UA एक्ट 1967 की धारा 16, 18 व 20 एवं आर्म्स एक्ट में आरोपी माना था। मामले में आरोपी अमजद सहित अन्य के खिलाफ अनुसंधान लंबित रखा था। रियाज जब्बार व मोहम्मद गौस ने 28 जून 2022 को हत्याकांड को अंजाम दिया था। कन्हैयालाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 26 चोटें आई हैं, जिनमें 15 प्राण घातक है। जयपुर से खबर मिल रही है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 लेवल द्वितीय से जुड़ा मामला है। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता मुकेश कुमार ने इस भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थी के तौर पर ओबीसी वर्ग में आवेदन किया था। उसके 45% से अधिक दिव्यांगता है, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा में अधिक अंक लाने पर भी दिव्यांग को नियुक्ति नहीं देने का मामला सामने आया। इस दौरान हाईकोर्ट ने मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सहित अन्य को नोटिस जारी किया। ओबीसी वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थी को अधिक अंक के बावजूद क्यों नहीं नियुक्ति दी गई को लेकर सवाल था। साथ ही इस दौरान हाईकोर्ट एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने को कहा। याचिकाकर्ता मुकेश कुमार ने कहा कि यदि उसे दिव्यांग नहीं माना जाए तो ओबीसी वर्ग की कट ऑफ से अधिक अंकों को आधार पर उसे नियुक्ति दी जाए। आगे बढ़ते हैं। बौली थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। घटना को लेकर बौली थाना पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। बौली एसएचओ हरलाल मीणा ने बताया कि पीड़िता ने बौली थाने पर रिपोर्ट सौंपी है। आरोप लगाया है कि 9 दिसंबर को पीड़िता अपने गाँव में नहर के पास में शौच के लिए गई थी, तभी रास्ते में आरोपी उसे रास्ते में मिले और जबरदस्ती घसीटते हुए ले गए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी कमलेश ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं आरोपी हनुमान ने उसका सहयोग किया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने घर आकर अपने परिजनों को वारदात की जानकारी दी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष द्वारा उसके परिवारजनों को धमकी भी दी गई थी और मुकदमा नहीं करने का दबाव भी बनाया था। इसके बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ बौली थाना पहुंची और रिपोर्ट पेश कर कार्रवाई की मांग की। मामले की जाँच डिप्टी मीना कर रहे हैं। थाना इलाके की एक महिला थी जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मैं घर से सोच गई थी और उसी के गांव के 2 लोगों ने उसके साथ में दुष्कर्म किया। इस संबंध में प्रकरण दर्ज करके और तब की श्रीमान सीओ साहब बोली के सुपुर्द की गई है। जल्दी मुलजिमों को राउंड अप करके और खबर झुंझुनू की चिड़ावा से है, जहां पुलिस ने बाईपास पर बड़ी कार्रवाई की है। नकली नोटों के साथ एक आरोपी को पकड़ा, जिसके पास से 500 के 22 नकली नोट बरामद हुए। सीआई विनोद सामरिया ने बताया कि एएसआई शेर सिंह को नकली नोट से सामान खरीदने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस ने डीएसटी के सहयोग से आरोपी अमित जाट को दबोचा, जिससे तलाशी में 500 रुपए के 22 नकली नोट बरामद हुए। ऐसे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है कि नकली नोट कहां से लाए गए थे और कितने नोटों को बाजार में चला चुका था। अलवर में यूआईटी के खिलाफ प्रदर्शन, धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाने का आरोप लगा है। तिलक मार्केट के पीछे पुराने धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाने का आरोप लगा है और तस्वीरें देखिए, प्रदर्शन के दौरान बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ वहां जुट गई। यूआईटी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तिलक मार्केट के पीछे पुराने धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाने का लोगों ने आरोप लगाया है और इसका समर्थन भी मिला है। क्षेत्रवासियों की भीड़ वहां जुट गई। मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस से करीब 68 लाख की चोरी का मामला सामने आया। चोरी की बड़ी वारदात सामने आने के बाद रेलवे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के ज्वेलर्स ने अपने यहां काम करने वाले लोहित रैगर को करीब 36.5 लाख की नकदी और 33 लाख के जेवर मुंबई पहुंचाने के लिए दिए थे। ज्वेलर के यहाँ काम करने वाले व्यक्ति दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस तेजस राजधानी एक्सप्रेस में सवार होकर मुंबई जा रहा था। उसके कोच में 2 अटेंडेंट भी थे। दोनों को बैग में कैश व ज्वेलरी होने का पता लग गया। दोनों ने बातों में दोस्ती बढ़ाई। दोनों ने यात्री को विश्वास में ले लिया। दिल्ली से रवाना होने के बाद ट्रेन सीधे कोटा स्टेशन पर आकर रुकी। लोहित टॉयलेट करने बाथरूम गया। पीछे से दोनों अटेंडेंट नकदी व ज्वेलरी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। लोहित के दोनों अटेंडेंट को तलाशा, लेकिन दोनों ही नहीं मिले। दोनों आरोपियों की तलाश में जीआरपी की अलग अलग टीमें लगी हुई हैं। रणथंभौर में एक बार फिर 2 बाघों में इलाके पर कब्जे के लिए खूनी संघर्ष देखने को मिला। बाघ T-120 और T-121 4 दिन में दूसरी बार भिड़ गए। दोनों बार T-120 अपने भाई T-121 पर भारी पड़ गए। जोन 4 में फाइट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वन विभाग ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की। दरअसल रणथंभौर में नर बाघों की संख्या 30 के आसपास है, जबकि इस टाइगर रिजर्व में क्षेत्रफल के हिसाब से नर बाघ 20 के आसपास होने चाहिए। नर बाघों की संख्या ज़्यादा होने से इलाके के लिए संघर्ष की आशंका बनी रहती है। जंग में पहले भी कई बाघ बाघिन जान गंवा चुके। बता दें कि 12 दिसंबर को भिड़ने के बाद T-121 के घाव पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, लेकिन वापस घायल होने से चिकित्सक हालत पर नजर बनाए हुए हैं। पर्यटक इस तरह की जंग देखकर रोमांचित हो रहे हैं, लेकिन दोनों बाघों में फिर जंग हुई तो किसी एक की जान जा सकती है। बढ़ेंगे, अजमेर में एमडीएस यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा की अगुवाई में टीटी कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया है। विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन पर बीएड कर रहे विद्यार्थियों को अंधेरे में रखकर एनसीटीई की मान्यता नहीं होने के बावजूद 150 अभ्यर्थियों को प्रवेश देकर लाखों की फीस वसूल का भ्रष्टाचार करने की संगीन आरोप लगाए हैं। छात्र संघ अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रशासन ने पूर्ववर्ती सरकार के इशारे पर इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया और अब जब एग्जाम का समय नजदीक आया है तब विद्यार्थियों को गोलमोल जवाब दिए जा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने अपने भविष्य को लेकर कई तरह के संशय जाहिर किए। वहीं विद्यार्थियों की ओर से पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष जाँच की मांग की गई। आज टीटी कॉलेज अजमेर में बीएड के 150 विद्यार्थी है, जिनको एनसीटी की यहाँ पे मान्यता नहीं होने के बाद भी इनका पीटीटी के थ्रू ये विद्यार्थी यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और 150 के 150 विद्यार्थियों का फर्जी एडमिशन यहाँ के प्रशासन और एमडीएस प्रशासन मिलकर दोनों ने लिया। कल विद्यार्थी जब एमडीएस यूनिवर्सिटी पहुँचे तो वहाँ की रजिस्ट्रार मैडम बोलती है, हम तो राजनीतिक दबाव में आके यहाँ पर साइन कर दिए गए थे और इस कारण आपके यहाँ पर एडमिशन हो गए। तो इसका मतलब राजनीतिक दबाव से ही विद्यार्थियों के जीवन को बर्बाद किया जा रहा है। ये कॉलेज को विड्रॉल किया गया है एनसीईआरटी के थ्रू और हम जब इनसे पूछ रहे हैं कि कहते हैं ना ये विड्रॉल हटा दीजिए, क्यों मान्यता नहीं है, तो ये हमें झूठा आश्वासन दे रहा है कि इस कॉलेज की मान्यता है, पर ऐसा नहीं है कि इस कॉलेज की मान्यता है। क्योंकि यहाँ पे टीचर्स से हमने पहले एप्लीकेशन दी प्रिंसिपल मैम को, हमने पहले भी ये सब किया था, इतना कुछ नहीं किया, पर हमने टीचर से जब पूछा तो उन्होंने बोला कि आप हमें एक एप्लीकेशन दीजिए बच्चों के साइन करके हमने एक एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन उस एप्लीकेशन के बाद इन्होंने कहा हमें कुछ टाइम के लिए मौका चाहिए। 1 महीने का हमने इनको मौका दिया, 1 महीने में इन्होंने कुछ भी नहीं किया।